वेलकम टू आवर YouTube चैनल द ग्रीन स्टार एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। और आज हम करेंगे क्लास प्लस वन बिजनेस स्टडी का लेक्चर टू। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। आपको बताया गया था बिजनेस में कुल तीन एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। याद है, अगर कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर सकता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करता था, अगर किसी के अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन है, स्किल्स हैं, तो वो प्रोफेशन चूज करता है, और अगर किसी में ना तो स्किल्स हैं, कम स्किल्स हैं, या पैसा भी कम है, तब वह कहीं एम्प्लॉय बन जाता है, एम्प्लॉयमेंट का चूज करता है। तो ये सारी क्या कहलाती थी, हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहलाती थी। आइए हम अपने कंसेप्ट को, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन को हम बोलते हैं हिंदी में पेशा। तो पेशा क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एक ऐसी क्रियाएं जो हम पैसे के लिए करते हैं, बट जिसका मेन टारगेट क्या रहता है, लोगों की सेवा करना रहता है। और हम काम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं प्रोफेशन के अंदर जिसमें हम अपने दिमाग का, अपनी स्किल्स का, अपनी क्वालिफिकेशन का यूज़ करके हम दूसरों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरों की नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन करते हैं। या हम दूसरों की क्या करते हैं, सेवाएँ कर रहे हैं, दूसरों को सेवा प्रदान करते हैं अपनी मेंटली सर्विसेज का यूज़ करके। तो अगर एक व्यक्ति है और उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज है, उसका यूज़ करके वो लोगों की क्या करता है, हेल्प करता है, सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं उनकी हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं कैसे। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन। मतलब एक व्यक्ति है और वो क्या करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और किस तरह से परफॉर्म करता है, हैविंग अ स्पेशल नॉलेज। एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, और उस नॉलेज का यूज़ करता है वो किसके लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि लाभ कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए। और वो जितने वो काम करता है, और वो व्यक्ति विच इज़ यूज टू सम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अलग अलग पार्ट में जो लोग रह रहे हैं उन सब की क्या करता है, वो हेल्प करता है, उनकी हेल्प के लिए क्या करते हैं, उनको बनाया गया है, उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है, कुछ स्पेशल नॉलेज उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए टीचर है, टीचर ने टीचर के लिए बीएड किया है, उसने मास्टर्स लेवल पर डिग्री की है, लॉयर ने क्या किया है, एलएलबी किया है, लॉ की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर ने एमबीबीएस की डिग्री ली है, और मैनेजर ने एमबीबीए मैनेजमेंट कोर्स है आपका, जैसे एमबीए है वो किया है, इन सब ने क्या है, अपने फील्ड में कुछ स्पेशल नॉलेज है वो हासिल की है, तब जाके वो क्या बने हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल बने हैं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें आएगा काम को करने का, जितना ज़्यादा वो काम को करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही वो उस काम में क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, और उन्हें क्या कहा जाएगा, प्रोफेशनल कहा जाता है। तो प्रोफेशन एक पेशा होता है, व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्पेशल नॉलेज का यूज़ करते हुए, अपनी क्वालिफिकेशन का यूज़ करते हुए, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके हमारे समाज में अलग अलग सेक्शंस में वो क्या करता है, अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, अपनी सेवाएँ देता है अलग अलग सेक्शंस में, उसे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड मैनेजर्स, ये सारे क्या करते हैं, अपनी स्किल्स का यूज करके हमारे समाज की हेल्प करते हैं। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो प्रोफेशन होता है, पेशा है, वो क्या है, व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की, विशेषताएं। अगर एक व्यक्ति है और वो पेशेवर है, वो पेशा का यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं उसकी विशेषताएं, यानी कि उसकी फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले आता है वो है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि एक पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जब तक उसके अंदर एक स्पेशल नॉलेज नहीं होगी, वो एक प्रोफेशनल नहीं बन सकता। इट मीन्स, यानी कि अगर एक लॉयर है, उसके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है, तो वो लॉयर भी नहीं हो सकता। बस बात यही है क्या, कि आपको प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी है। और जिस दिन आपके अंदर वो स्पेशल नॉलेज आ जाएगी, आपके पास डिग्री हासिल कर लोगे, एक्सपीरियंस ले लोगे, नॉलेज आ जाएगी, तैसे ही जब की जब आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हो, अपने प्रोफेशन में आप उसको यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एक पर्सन में होता है, तभी उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे ही आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं आपके सर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ उत्तरदायित्व आपके सामने आते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसको क्या कर रहे हो आप अपनी सुविधाएँ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, और अपने पेशेंट के लिए हमारी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो आपको कुछ पैसे देता है और आपसे इलाज करवाता है तब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पैसे का यूज़ करते हुए उसे पूरा अच्छे से बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट दें। तो ये हो हमारा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रोफेशनल के अंदर। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो बच्चों को अच्छे से नॉलेज दें, उन्हें अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए क्या होते हैं, कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है और ट्रेनिंग दे करके आप उस काम में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे टीचर जब कई सालों से पढ़ा रहा है तो उसके क्या हो जाता है, प्रोफेशनल बन जाता है, उसको उस चीज़ की नॉलेज आ जाती है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए या किस तरह से पढ़ाया जाता है। अब लॉयर है, जब वो डिग्री करके आता है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, धीरे धीरे वो क्या करता है, कानून के बारे में समझता है, जानता है, डिग्रियाँ हासिल करता है और इवन बुक्स पढ़ता है, नए नए केस को लड़ता है, नए नए केस उसके सामने आते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो जैसी ही ट्रेनिंग होती है तो फॉर्मलाइज मेथड से आपका प्रोफेशनल एक बंदा तैयार हो जाता है। प्रोफेशन एक बंदा, एक व्यक्ति कैसे तैयार होता है, जब उसे क्या मिलती है, काम को करने की ट्रेनिंग मिल जाती है। डॉक्टर भी है, प्रैक्टिस करते 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 वो भी एक तरह का एक्सपर्ट प्रोफेशनल बन जाता है। ऐसे ही मैनेजर हैं, ऐसे ही हमारे टीचर होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ट्रेनिंग लेंगे, उतने ही एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या कि जो हमारा प्रोफेशनल होते हैं सबकी क्या होती है, एक अपनी अपनी एक एसोसिएशन बनी होती है और वो एसोसिएशन क्या करती है, उन सबको हैंडल करती है। अरे भाई, हर मैनेजर अपना काम अच्छे से करता रहे, टीचर, डॉक्टर, लॉयर अपने बेहतर तरीके से काम को करते रहें, इसके लिए उनके लिए क्या बनाया गया, एक स्पेशल यूनियन बनाई गई है, ताकि वो उन यूनियन में रह करके सब काम करते हैं। जैसे आपका जैसे लॉयर है, ठीक है, इनका क्या होता है, एक बार एसोसिएशन होता है। क्या होता है, बार एसोसिएशन होता है, जिसके अंडर क्या होता है, सारे वकील रहते हैं और सारे उनके जो लॉ हैं उनका फॉलो करते हैं। ऐसे डॉक्टर होते हैं, इनके लिए कोई MBBS वगैरह होता है, ठीक है, इनकी भी काउंसिल बनी होती है, मेडिकल काउंसिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैनेजर के लिए क्या होता है, IMA होता है, AIMA, IMA होता है इनका, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन होती है। ऐसे ही क्या होती है, हमारी सभी के लिए अपनी अपनी बनी होती है। जैसे अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, अकाउंट्स वगैरह के लिए भी होते हैं, ICAI, ठीक है, इनका सबका क्या बना हुआ है, एसोसिएशन बना होता है, जिसमें सारे रूल्स समझाए जाते हैं, कार्य करने के तरीके बताए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है इनको परफेक्ट करने के लिए। इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह का काम इनको कौन देता है, इनकी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन देती है। तो इनकी स्पेशल क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रायोरिटी ऑफ द सर्विस ओवर द इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। याद रखना, आपका जब भी आप एक प्रोफेशन में आ जाते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो होगा लोगों को सेवाएं देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लोगों को मिले। ध्यान रखना, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन बाद में, देखो हर कोई आजकल पैसे से कनेक्टेड तो है ही, क्योंकि प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। आप सारे काम क्या कर रहे हो, पैसे के लिए तो कर ही रहे हो, बट ध्यान रखना आपको पैसा बाद में रखना है। प्रोफेशन में अपने सबसे मेन टारगेट क्या रहेगा, आपने सर्विस को देना है मेन टारगेट। आप सेवाएं दें, लोगों को अच्छा काम करें, अच्छे नाम कमाएं, उसके बाद आप पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। अच्छे काम करोगे, आपका जब नाम होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपको इनकम भी जरूर करवाएंगे, इनकम भी जरूर आपको होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कभी प्रोफेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट चलता है, आचार संहिता चलती है। कैसे, इसका मतलब ये है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, अपना काम बड़ा ही ऑनेस्टली करना है, आपने क्या करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, हमेशा सच का साथ देना है, ट्रुथ, आपने कभी भी किसी से छुपाना नहीं है। मान लो आप डॉक्टर हैं और अपने पेशेंट से बातें छुपाते हैं तो ये गलत है, प्रोफेशन में ऐसा नहीं चलता है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो पेशेंट को अच्छे से सारी बातें बताएं, समझाएं उन्हें भी क्या बीमारी है, कैसे ये दूर की जा सकती है, कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। प्लस आपको ईमानदार रहना चाहिए अपने प्रोफेशन से, कभी भी कोई धोखेबाजी या कोई गद्दारी वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप ध्यान रखना, प्रोफेशन में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन एक पेशा होता है, पेशे में एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है,
कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ डिग्री आपको चाहिए, तब जाके आप मेंटली मतलब अपने दिमाग का यूज़ करके अपने जो भी नॉलेज है उसका यूज़ करके लोगों तक अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए कहता है इसकी फ्यूचर में कि स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए काम को करने के लिए। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपके लोगों की हेल्प करना है, लोगों के साथ मिलकर काम करना है। फॉर्मलाइज मैथड ऑफ ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जितना ज़्यादा काम लगातार आप करते रहेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे आप उतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप उतने ही ज़्यादा प्रोफेशनल माने जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, आपकी एक एसोसिएशन बनेगी जिसमें क्या होता है आपको उसके अंडर रहकर सारे काम करने हैं, रूल्स को फॉलो करना है और समाज की सेवा करनी है। और हमारा मेन टारगेट यही है कि हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ज़्यादा ध्यान अपने को मतलब लाभ कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके, प्रॉफिट अर्निंग पर ध्यान ना दे करके समाज की सेवा करना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। और लास्ट में था हमारा ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई रखें अपने काम के अंदर, ईमानदारी रखें और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करें, यही है हमारा प्रोफेशन। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। तो बिजनेस में बिजनेस और प्रोफेशन दो टॉपिक हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इस लेक्चर को एक बार देखें, दो बार इसको देख लें लेक्चर को, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको ये रिमाइंड हो जाएगा। आप अपने नोट्स जरूर तैयार कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ये चीज़ देखना हो तो नोट्स से आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल ग्रीन स्टार को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली इसको शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए मोटिवेशनल जो वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, ऐसे ही लाते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।